हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मिलिनियर 2M चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है, मतलब डोरेमोन के एपिसोड, उसे शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो डोरेमोन का गैजेट होता है डोर का, उसमें से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही होती है, और हमें दिखाया जाता है कि एक रोबोट जो 22वीं सदी से आया हुआ होता है, वो किसी गैजेट की डिलीवरी करने आया होता है नोबिता के घर पर। मगर उस जो डिलीवरी पेज लिखा होता है, उस पर जो हैंड राइटिंग होती है, उसकी वजह से वो किसी गलत जगह पर आ जाता है, और वो उससे परेशान हो जाता है कि ये 1989 नहीं है। फिर भी वो कहता है कि जाने दो, कुछ भी हो, मुझे ये सिर्फ बेचना है तो डोरेमोन के घर तक। तो उसके बाद वो ज़ोर से चिल्लाता है, नोबिता नोबी, ये रही तुम्हारी स्पेशल फ्यूचर डिलीवरी। सो ये गैजेट को फेंक देता है और अपने टाइम में वापस चला जाता है। और वैसे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो जो डोरा के एक जैसे दिखने वाला गैजेट है, वो नोबिता के घर में आ जाता है। मगर ये नोबिता का घर होता है, मगर फ्यूचर वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होता है। और वहाँ से ये जो गैजेट है, वो घूमते घूमते और नोबिता के खिलौनों को ज़्यादा लगता है, और उसके बाद बहुत सारे खिलौने एक्टिव हो जाते हैं, और जो स्कूल बैग को लगता है, तो वहाँ से एक कंप्यूटर निकलता है जो फ्यूचर से होता है, और वो खिलौना जाके उसके बेसबॉल के जो क्लब का वो रैकेट होता है, उसमें जाके अटक जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन की और नोबिता की जो फैमिली है, वो पूरी तरह से दिखाई जाती है, उनके पिक्स दिखाए जाते हैं, फ्यूचर दिखाया जाता है, मतलब जो फ्यूचर वाली उनकी सिटी है वो दिखाई जाती है, उनका घर पूरी तरह से बदल गया है ये दिखाया जाता है, और पूरी तरह से जो बाहर उनकी सिटी है वो दिखाई जाती है। और यहाँ पर हमें 2011 का इंट्रो दिखाया जाता है, और मूवी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो ये रहा था हमारी मूवी का इंट्रो, और आगे की मूवी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर दिखाया जाता है कि हॉट एयर बलून से जो कुछ लोग होते हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उनकी पार्टी हो रही है। उसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो नोबिता का बेटा है, वो वॉलीबॉल खेल रहे थे, और उसकी वजह से सुनियो के बेटे के ऊपर थोड़ा कीचड़ उड़ जाता है, और उसके बाद वो वॉलीबॉल सीधा जाके जाता है जियान के बेटे के हाथ में। नोबिता का बेटा उसे कहता है कि बॉल अपने तरफ फेंके, इसलिए बाद वो बॉल उसकी तरफ फेंकता है और वो गिर जाता है। उसके बाद नोबिता उस बॉल को लेके आगे चला जाता है, मगर ये कहता है कि रुक जाओ, मुझे बहुत ज़ोर से लग गई है। फिर भी नोबिता का बेटा ये बात नहीं सुनता, और सीधे जाकर उस बॉल को अपने रैकेट में डालने की कोशिश कर देता है, और बहुत मुश्किल से वो उस बॉल को रैकेट में डाल देता है, और उसके बाद वो इतना ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद उसे आवाज़ दी कोई देता है कि नोबिता सुखे कैन, उसके बाद सब्सक्रिप्शन कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। उसके बाद वो खेलते खेलते बाहर आते जाते हैं, और नोबिता का जो बेटा है, वो सुनियो के बेटे और जियांग के बेटे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, उसकी वजह से जियान के बेटे को बहुत ज़ोर से लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो रोना शुरू कर देता है, इस वजह से उन दोनों को बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, इतने बड़े हो गए फिर भी अभी रो रहे हो तुम। उसके बाद वो जियान का बेटा कहता है कि मुझे बहुत ज़ोर से लगी है। फिर सुनियो का बेटा कहता है कि नोबिसुके तुमने बहुत बुरा किया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसके घर की तरफ, उसे हमें दिखाया जाता है कि एक रूम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा और कूड़ा पड़ा होता है, और वहाँ के ड्रॉअर से अचानक हमें दूसरे सीन में ले जाया जाता है, जहाँ से वो एक गैजेट आया होता है, और जो शिजुका होती है और उसका बेटा होता है, वो हमें दिखाया जाता है। और नोबिसुके और शिजुका उसे कहती है कि अपना रूम साफ़ करो, इतना गंदा कर रखा तुमने, पूरा उसे तुम्हें साफ़ करना होगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि शिजुका एक न्यूज़ देख रही होती है, उसके बाद वो एक किताब को उठा लेती है और पढ़ना शुरू कर देती है। तभी न्यूज़ में कुछ दिखाया जाता है कि एक शीप और ऐसे कुछ भी दिखाया जाता है, उस पर उसे आवाज़ आती है कि ज़ोर ज़ोर से रैकेट उछलने की। उसके बाद वो नोबिसुके से पूछती है कि क्या हो रहा है वहाँ पर। नोबिसुके कहता है कि कुछ नहीं मॉम, बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा खेल रहा था और साफ़ सफाई कर रहा था, सब कुछ ठीक है मॉम। उसके बाद वो देखता है कि ये बॉल तो उसके पास नहीं थी, ये तो कुछ नया है। तो उसके बाद वो उसे हंसने की आवाज़ आती है, इसलिए वो बाहर जाके देखता है, तो जियान ज़ोर से हंस रहा होता है और बता रहा होता है कि नोबिता ने उसके बेटे को बहुत ज़्यादा मारा है और उसे बहुत परेशान करता है, इसलिए शिजुका उसे नोबिसुके को आवाज़ देती है। मगर जियान कहता है रहने दीजिए शिजुका, मैं इसे रहने रोने दीजिए, ये मेरी तरह नहीं है। ये सब कुछ नोबिसुके चुपके से सुन रहा होता है,
उसके बाद वो देखता है कि जियान और उसका बेटा घर में आता है, और उसके बाद वो देखता है कि जियान अपने बेटे को नोबिता के साथ खेलने के लिए भेज रहा है और वो उसे मार भी रहा है। उसके बाद जैसे ही जियान का बेटा उसे अंदर आने के लिए कहता है तो नोबिता भी दरवाज़ा खोल देता है और उसे अंदर ले लेता है। और उसके बाद वो देखता है कि वो बहुत ज़ोर से रो रहा होता है और वो कहता है, ये क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? उसके बाद वो कहता है कि मुझे हमारे पिताजी ने घर से निकाल दिया है। वो कह रहे हैं कि तुम बहुत गरीब हो, मतलब उसका स्वभाव बहुत गरीब होता है। तो उसके बाद अनुबिसुकी उसे कहता है कि वो सब कुछ छोड़ दो, चलो मेरे साथ खेलो तुम। तो उसके बाद वो देखता है कि वो जो बॉल होती है, मतलब जो गैजेट होता है, वो नोबिसुके के पास आ जाता है और नोबिसुके उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए, क्या तुम इसके साथ खेलना पसंद करोगे? उसके बाद जियान का बेटा कहता है, ये क्या है? तो हम देखिए, ये किसको फिक्र है, तुम इसे लेना चाहोगे? तो वो कहता है कि मैं अपने डैड से चुरा के नहीं ले जा सकता, बट ये गलत बात है, मैं इसे नहीं लूँगा। तो ये कहता है कि कुछ नहीं होता, तुम ये गैजेट ले लो, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट समझ के ले लो। उसके बाद ये कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। मगर नोबिसुके उससे ज़बरदस्ती गैजेट दे देता है। उसके बाद जियान का बेटा कहता है, मुझे नहीं लेना। लेकिन नोबिसुके उसे चिल्ला कर कहता है कि तुम्हें ये लेना ही होगा। और उसके बाद वो उसे गैजेट दे देता है और उसके सर पर मार देता है। उसके बाद जो जियान का बेटा है वो रोने लगता है, और जैसे ये आवाज़ शिजुका को सुनाई देती है, शिजुका उसके लिए जूस लेके जाती है। वो एकदम चिंतित हो जाती है कि ये क्या हो गया। उसके बाद शिजुका उसे डांटने के लिए ऊपर आती है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि डोराएमी टाइम मशीन से बाहर आ रही होती है। जैसे टाइम मशीन खोलती है वो नोबिता को लग जाती है, मतलब नोबिता के बेटे को। उसके बाद वो बताती है कि कुछ तो भी अलग हुआ है।